विश्व में भारत गुफाओं, कलाओं और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। खरोसा यह महाराष्ट्र में स्थित जो अनेक गुफाएं हैं उन्हीं में से एक गुफा खरोसा केव्स है। यह लातूर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे आने के लिए आप बाय रोड निलंगा या लातूर से आ सकते हो। कोई भी लेनी बनाने से पहले पहाड़ी के पत्थर को जांचा जाता था। यहाँ पर आपको यह लेनी दिखाई देती है। यहाँ का पत्थर लाल कलर है। यह पूरी पहाड़ी लाल पत्थर से बनी हुई है। सबसे प्रथम आपको यह बौद्ध लेनी दिखाई देती है। बाहर स्तूप और सामने चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह के दोनों ओर छोटे छोटे गुफाएं हैं जिसे सेल कहा जाता है। यह है चैत्य ग्रह। यहाँ पे सुंदर सी भगवान बुद्ध की मूर्ति पेंटिंग के साथ यहाँ पे उपलब्ध है। और दोनों ओर यहाँ पे शून्यगार है। जो सेल्स है उसे शून्यगार कहा जाता है, जहाँ पे साधक यहाँ पे बैठ के ध्यान साधना करते थे। यहाँ पे बैठने के लिए भी आसन मौजूद है। (1885 से 1901) आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जेम्स बर्जिस के नेतृत्व में खरोसा केव की खोज की गई। जो मौजूद दस्तावेज है उसके हिसाब से यह 6वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। यह गुप्तकालीन गुफाएं मानी जाती है। महाराष्ट्र जो प्राचीन दक्खन का एक पार्ट था, यहाँ पे अनेक शासकों ने यहाँ पे शासन किया। सम्राट अशोक मौर्या से लेके यहाँ तक राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे राज किया है। और इन्हीं के समय में ऐसी अनेक प्रकार की गुफाएं महाराष्ट्र एवं पूरे भारत में निर्माण की गई। उन्हीं में से यह एक खरोसा केव है। अगर यह लेनी आप देखते हो तो सामने हॉल और दोनों ओर चार चार पिलर यहाँ पे दिखाई देते हैं जो अब नष्ट होने के मार्ग पर है। इस लेनी में दोनों ओर आपको सुंदर शिल्पकला यहाँ पे दिखाई देती है। जिस प्रकार से जो आप ये नक्शीकला देख रहे हो, ये स्टैचू देख रहे हो, ये अब धीरे धीरे समय के हिसाब से ये समाप्त होने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम और इस गुफा के बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वजर द पावर। आज यहाँ पे हम खरोसा लेनी, ये जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है इसमें है, ये लगभग लातूर से 45 किलोमीटर है। ये एक बुद्धिस्ट केव है। तो यहाँ पे आज ये केव को हमने विजिट किया है और पूरी तरीके से इस केव के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, तो हम ये पूरा केव देख लें। यहाँ पे सामने इसके ठीक बगल वाली गुफा यहाँ से दिखाई देती है जो टूटने के कारण यहाँ पे ये स्थित है। यहाँ पे अजीब सी शांतता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये जो गुफा आप देख रहे हो तो सामने ये स्तंभ है। इसी प्रकार का स्तंभ महाराष्ट्र पुणे कार्ला बुद्धिस्ट केव को अगर हम देखते हैं, इसी प्रकार का स्तंभ यहाँ पर उपलब्ध है। वही स्ट्रक्चर अशोक स्तंभ, जहाँ पे चार सिंह ऊपर दिखाई देते हैं, कुछ लगभग यह उसी से मेल खाता हुआ दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। यह स्तंभ, इसके ऊपर ये थोड़ा मेल खाता है अशोक स्तंभ से, सिर्फ यह अनुमान है हमारा। ऊपर सुंदर ऐसी कलाकृति आपको यहां पे दिखाई देती है। कुछ अधूरी केव यहाँ पे दिखाई देती है। बस इसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो पत्थर है उस क्वालिटी का नहीं था, इस वजह से इसका यह हाल है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे है। यहाँ से ठीक लेफ्ट साइड से ऊपर जाने के लिए भी एक रास्ता है। सामने
आपको इस प्रकार की यहाँ पे मूर्ति दिखाई देती है। बीच में एक मूर्ति है और बाजू में और दो मूर्तियाँ। अगर इसका हम रेफरेंस लेते हैं महाराष्ट्र मराठवाड़ा अजंता केव से, तो इसी प्रकार के कई मूर्तियाँ यहाँ पे उपलब्ध है। आप देख सकते हो ये भगवान बुद्ध और उसके बाजू में दो उनके शिष्य सारिपुत्र और महामुगलाएं। जहाँ पे बुद्ध होते हैं उनके ये जो शिष्य वहाँ पे उपस्थित होते हैं, सारिपुत्र और महामुगलाएं। तो चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक इसके बगल में यहाँ पे एक रूम है, ये अच्छी खासी एक बड़ी रूम है। कुछ सामान यहाँ पे रखने के लिए या पूजा करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ करता था। ये जो पहली गुफा जहाँ पे हमने विजिट किया था, और ये सामने बहुत ही सुंदर ये नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। यहां से ऊपर की लेनी के लिए जाने के लिए रास्ता है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ऊपर। काफी ज्यादा शांतता यहां पर है, तो यहां से आप विजिट करें तो थोड़ा देख के आप आगे चलिए। जैसे ही हम ऊपर आते हैं यहां से, तो इस प्रकार का नजारा ऊपर दिखता है, बहुत ही सुंदर नजारा। यहां पे चार पिलर सामने, यहाँ पे मूर्तियां है जो अस्पष्ट है। बहुत ही मनमोहक वातावरण है, और सामने ये खूबसूरत शिवलिंग, जो सामने ये जो एक डक दिखाई देता है ये पानी के लिए बनाया गया था। आप अगर अजंता जाते हो तो इसी प्रकार की मूर्तियां आपको स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई दे सकता है। दोनों मीनारों के ऊपर सुंदर ऐसी शिल्पकला यहाँ पे तराशी गई है, और बीच में जो है शिवलिंग। दोनों ओर यहाँ पे इस प्रकार से मूर्ति बनाई गई है। कई लोग इन्हें यक्ष के नाम से भी, गंधर्व के नाम से भी कहलाते हैं, या द्वारपाल भी कहलाते हैं। ठीक इसके बगल में और एक लेने के लिए यहाँ से द्वार बनाया गया है। सुंदर ऐसी शिल्पकला यहाँ पे दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर। ठीक इसके बगल में ये आपको गुफा दिखाई देती है। जहाँ से हम आए थे वहाँ पे शिवलिंग प्रस्थापित है, और यहाँ पे आप देख सकते हो और एक जगह, और बीच में एक सुंदर ऐसी मूर्ति, खड़ी मूर्ति यहाँ पे दिखाई देती है। बीच में मूर्ति और बाजू में और दो स्टैचूज। तमाम ये जो मराठवाड़ा में जो केव्स बनी है उसका मेल अगर हम देखें यहाँ से, तो अजंता के और बहुत मेल खाता है। सुंदर ऐसा नज़ारा बाहर की ओर आपको यहाँ से गैलरी से दिखाई देता है, ये वाली गैलरी से। लोग यहाँ पे आते हैं कूड़ा कचरा करके चले जाते हैं, ये गलत है। ये बहुत ही नायाब चीज है जिसे हमें जतन करना चाहिए। यहाँ पे आके प्लीज दारू या अन्य चीजें यहाँ पे रोकना, खाने पीने के लिए यहाँ पे रोकना। अगर आते हो तो प्लीज साफ सफाई रखिए। यहाँ से और एक डोर निकलता है बाहर की ओर, यह है वो जगह। यहाँ से थोड़ा बहुत डरावना आपको लगेगा, डरिएगा मत। यहाँ से जैसे आप बाहर निकलते हो तो ये बाहर जाने के लिए सामने से रास्ता है, और ठीक राइट साइड में यहाँ पे केव्स है। सुंदर कलाकृति यहाँ पे दिखाई देती है, बहुत अच्छी जगह है, ये मिस मत कीजिए, यहाँ पे जरूर आइए। चलिए तो हम यहाँ से भीतर देखते हैं। अंदर एक बड़ा हॉल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ होने के कारण अंदर जाने के लिए यहाँ पे डर लगता है। तो आप भी कोशिश कीजिए अंदर भीतर मत जाइए, बहुत ज़्यादा चमगादड़ यहाँ पे है, आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत डरावना भी लगता है यहाँ पे।
ऐसा भी यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं जल्दी। और यहाँ पे देख सकते हो चमगादड़ों की भीड़ यहाँ पे है, पूरी फौज यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत बड़े बड़े चमगादड़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। यही सामने आपको ये सुंदर ऐसी मूर्ति दिखाई देती है। सामने दो मूर्ति और यही जगह है जहां से हम बाहर आए थे। सामने की ओर यहां पे एक भगवान गणेश की मूर्ति तराशी गई है। और यहां से आपको दिखाई देता है स्तंभ, बहुत सुंदर। इस जगह से व्यू इसका बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो यहां पे कुछ ध्यान कक्ष है। अगर हम यहां पे लेनी समूह देखते हैं तो यहां पे बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म की सभ्यता और मान्यता यहां पे शिल्प में तराशी गई है। यह जो गुफा आपको दिखाई देती है इसके दोनों ओर बड़े बड़े विशाल मूर्ति यहाँ पे तराशी गई है। जैसे आप भीतर आते हो तो सामने आपको नंदी और शिवलिंग का दर्शन यहाँ पे हो जाता है। मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। खूबसूरत ऐसा शिवलिंग। बड़ा ही दिलचस्प और मनमोहक जगह है यह। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो विष्णु के 10 अवतार है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वरहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, कृष्णा, बुद्ध, जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं इसी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ऐसा मनमोहक ये जगह है। उस समय में जो जीवन काल था, लोगों की सभ्यता थी, उसको यहाँ पे उतारने की कोशिश की गई है। हर लेनी का एक समय हुआ करता था, मौर्या से लेके राष्ट्रकूट तक जितने भी आज तक बनी हुई लेनियां है इनका एक समय रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग शासक आते रहे और उन्होंने केव्स को बढ़ाते गए। यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिखाई है 10 हाथों से, इसे रावण के रूप में भी कहा जाता है कई लोगों के माध्यम से। यहाँ पे सुंदर ऐसा प्रेमी जुगल जोड़ा यहाँ पे दिखाई देता है। इसी प्रकार के अनेक यहाँ इस जगह पे मूर्तियां आपको दिखाई देती है। लेकिन सबसे आकर्षित करने वाली जो जगह है यह है। यहां पे जो एक प्रचलित कहानी है समुद्र मंथन की यहां पे दर्शाती है। दोनों ओर देवता और असुर, बीच में पहाड़ी और शेषनाग। जो मंथन हुआ था उससे अनेक प्रकार के रत्न बाहर आए थे, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। बहुत अच्छी स्थिति में यह गुफा है और देखने लायक भी है, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे शिल्प कला अच्छी है। चलिए तो हम चलते हैं दूसरी गुफाओं की ओर। बहुत ही सुंदर प्रकार से ये नक्शी कला है। आप देख सकते हो कि सभी जो हम केव्स देख रहे हैं उसकी शिल्पकला अलग अलग प्रकार से बनाई गई है। सबका बनाने का नजरिया अलग था। ये सामने सुंदर ऐसी मूर्ति यहाँ पे दिखाई देती है। ये जो मूर्ति का आकार है ये कई भगवान से मिलता है, तो इसके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे चमगादड़ों का गढ़ बना हुआ है। वाकई में यहाँ पे घूमने के लिए डर लगता है। ऊपर से शिल्पकला बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। यहाँ पे बाहर आने के बाद आपको हाथी
जो शिल्पकला है दिखाई देती है। अगर आप एलोरा में देखते हो, पार्ला में देखते हो, अजंता में देखते हो, तो जहाँ पर भी जो बौद्ध गुफाएं है वहाँ पे हाथी का बड़ा ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। और ये जो केव यहाँ पे है वो आधी अधूरी है, इसे बनाया नहीं गया है। हो सकता है कि यहाँ का पत्थर तराशने के लायक ना हो, इसलिए इसे अधूरा छोड़ा गया है। अगर ये गुफा पूरी होती तो ये सबसे बड़ी गुफा ये श्रृंखला में होती, लेकिन यह अधूरी रह चुकी है। हो सकते हैं अनेक कारण इसके पीछे हो जो हम ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन यह सत्य है। चलिए दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। आगे का लेनी समूह, यहाँ पे सुंदर ऐसी लेनी यहाँ पे दिखाई देंगी आपको। यहाँ पे बैठने के लिए, रहने के लिए जगह है, ध्यान कक्ष है, प्रार्थना घर है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कई लेनियाँ हमें यहाँ पे पहाड़ियों में मिलती है देखने के लिए। और ये वाली जो लेनी है यहाँ पे शिवलिंग आपको दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर नक्शिकला यहाँ पे दिखाई देती है। हमने कोशिश की है कि ये जो खरोसा लेनी है यहाँ के सभी केव्स हम आपको दिखाए। कई जगह पे जो है लेनियाँ पेड़ों के वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, तो हमने कोशिश की है कि हर जगह पे हम जाए और यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग प्रकार के ध्यान कक्ष हमें पाए गए। और इस लेनी के सबसे लास्ट लेनी यह है, यह मेडिटेशन हॉल, यह लेनी आप देख सकते हो, इसे अधूरा छोड़ा गया है। और सामने का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर दोस्तों, यही है खरोसा लेनी। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा जो केव है, जो खरोसा केव है, यहाँ पे हमने देख लिया है। लगभग ऊपर के और एक टेंपल भी था जो हमने वो भी देख लिया है। टोटली ये ओवरऑल ये अच्छे केव्स है, अभी भी इनकी स्थिति भी ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी सारी गिरावट हो चुकी है। अभी लगभग जो केव्स यहाँ पे बचे हैं, तो ये केव्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे आइए, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे सुनसान है, ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं है, क्योंकि ये जो केव है कई लोगों के लिए परिचित नहीं है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, समय निकल के आइए। और ख़ास करके यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा मोहक है। यहाँ पे आदमी पूरा सा खो जाता है, खूबसूरत यहाँ पे एनवायरनमेंट है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और ये केव्स जो है टोटली देखिए। अंदर की ओर थोड़े बहुत चमगादड़ है, तो इनसे घबराइए मत, और ख़ास करके उनके साथ छेड़छाड़ भी मत कीजिए, और आप यहाँ पर आ जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जो करके मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।